नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट के फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में आपको टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल फ्री में दी जा रही है दोस्तों इस एपिसोड में हम कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार को ट्रेड करने का सही मेथड सीखेंगे किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने या रिकॉग्नाइज करने के लिए कैंडलस्टिक के डिफरेंट टाइप्स को सीखना बहुत जरूरी होता है इसलिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ट्रेड करने से पहले हमें यह सीखना होगा की मॉर्निंग स्टार पैटर्न के फॉर्मेशन में जिन कैंडलस्टिक का यूज होता है उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है दोस्तों डूजी स्टार और मारूबोज कैंडलस्टिक्स मिलकर मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन कर

दोस्तों मॉर्निंग स्टार पैटर्न के कंफर्मेशन के लिए एक बैरिश मारूबोजू और एक बुलिश मारूबोजू कैंडल का फॉर्मेशन जरूरी है दोस्तों मारूबोजू कैंडल डायरेक्शन बायस होती है यानी मारूबोजू कैंडस्टिक बेरिशनेस एंड बुलिशनेस को प्रेजेंट करती है मारूबोजू कैंडल अक्सर साइज में बड़ी होती है एंड मारूबोजू कैंडल विदाउट विक्स होती है या फिर मारूबोजू कैंडल में विक का साइज छोटा होता है दोस्तों ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डोजी स्टार अब पैटर्न को स्टडी करेंगे इन को ट्रेड करने के सही मेथड सीखेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक मिनट से एक मंथ तक सभी टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल होता है मॉनिस्टर पैटर्न को ट्रेड करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है नंबर वन मॉनिस्टर पैटर्न तभी वैलिड माना जाएगा यदि स्टार पैटर्न के फॉर्मेशन से पहले एक डाउन ट्रेंड होगा नंबर टू मॉनिस्ट्रा पैटर्न को ट्रेड तब करेंगे जब मॉनिस्ट्रा पैटर्न फॉर्मेशन के कंप्लीशन के बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक बुलिश बुलिश होगी यदि कैंडलस्टिक नहीं है तो हम को ट्रेड नहीं करेंगे नंबर नंबर का लेवल स्टॉप लॉस एरिया होगा मॉन पैटर्न को विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे सपोज एक्स वाई जी स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप्रेंड में था लेकिन उसमें एक डीप करेक्शन आया और स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो गया और एक्सेसिव सेलिंग होने के कारण एक बैरिश मार्गोजो कैंडलस्टिक फॉर्म हो गई बट नेक्स्ट डे एक इंडिसेसिव कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ एंड वेरी नेक्स्ट डे एक बुलिसमेशन फॉर्मेशन ने ब्रेकआउट किया है, 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 है जब तक सिग्नल न मिल जाए दोस्तों तो को ट्रेड करने की नॉलेज के साथ साथ मॉनिस्ट्रा पैटर्न को कब ट्रेड नहीं करना है इसकी जानकारी भी बहुत जरूरी है सपोज मॉनिस्ट्रा पैटर्न का फॉर्मेशन कम्प्लीट होने के बाद ब्रेकआउट नहीं हुआ नेक्स्ट एक बैरिश कैंडिस्टिक फॉर्म होगी तो आप ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन आप स्टॉक को वॉचलिस्ट में रखकर ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं तो पैटर्न वैलिड नहीं है लेकिन जब तक मॉनिस्ट्रा पैटर्न अपने लो को ब्रेक नहीं करता तब तक मोनिस्ट्रा पैटर्न वैलिड है आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं दोस्तों मॉनिस्ट्रा पैटर्न के कुछ सीक्रेट्स हैं मॉनिस्ट्रा पैटर्न में स्टार एक से ज्यादा भी हो सकते हैं यदिस्ट्रा पैटर्न में स्टार दो तीन चार या पांच भी है तब भी मॉनिस्ट्रा पैटर्न वैलिड है मॉनिस्ट्र में बैरिश मारोबोजू कैंडस्टिक बुलिश मारूबोजो कैंडल्ट से साइज में छोटी या बड़ी भी हो सकती है यदि पैटर्न में का साइज छोटा या बड़ा है स्टिल मॉनिस्ट्रा पैटर्न वैलिड है मॉनिस्ट्रा पैटर्न में बुलिश मारूबोजू कैंडल स्टिक बेरिश मार्बोजो कैंडस्टिक से साइज में भी छोटी या बड़ी हो सकती है यदि मॉनिस्ट्रा पैटर्न में बुलिश मारूबोजू कैंडल का साइज छोटा या बड़ा है स्टिल मॉनिस्ट्रा पैटर्न वैलिड है मॉनिस्ट्रा पैटर्न में बुलिश मारूबोजो और बेरिश मारोबाजो कैंडल एक से ज्यादा भी हो सकती है दोस्तों अब रियल चार्ट्स पर आपको मॉनिस्टर पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे ताकि आप इमेजनरी चार्ट्स को रियल चार्ट के साथ दोस्तों स्टॉक में स्टिल मॉनिस्टर ने पूरा काम किया हैंड्स पैटर्न इज नॉट ओनली ट्रेंड रिवर्सल इट्स ऑल्सो एन ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न इस चार्ट में मोनस्ट्रा पैटर्न एग्जीट हो गया यानी पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड के बाद एक बैरिश मार्ग का स्टार का फॉर्मेशन हुआ एंड वेरी कैंडल बुलिश मार्ग का फॉर्मेशन हुआ और मॉनिस्टर पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट पर एंट्री उसके बाद प्राइस का मोमेंट मॉनिस्टर में स्टॉक में कोई भी नहीं था. एक बेरिश मारूबाजो कैंडस्टिक का फॉर्मेशन हुआ एंड वेरी नेक्स्ट कैंडल स्टिकोज हुई एंड उसके बाद बोलिश मारूबाजो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ एंड देन ब्रेकआउट एंड मॉनिस्टर ने पूरा काम किया हैंड प्रोनिज नॉट ओनली ट्वेंट रिवर्सल दोस्तों इस चार्ट में स्टॉक प्रॉपर डाउन ट्रेड में था और एक बैरिश जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई नेक्स्ट डोजी स्टार एंड अगेन नेक्स्ट कैंडल स्टार, एज आई सेड बिफोर स्टार एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एंड देन नेक्स्ट कैंडस्टिक बुलिस मारूबोजू फॉर्म हुई एंड मॉन पैटर्न का फॉर्मेशन कम्प्लीट हुआ नेक्स्ट कैंडस्टिक ने बेकआउट दिया एंड पैटर्न ने पूरा काम किया दोस्तों इस चार्ट में एक प्रॉर डाउन ट्रेंड के बाद एक बैरिश मारूबोजू कैंडस्टिक फॉर्म हुई एंड वेरी नेक्स्ट कैंडस्टिक भी बैरिश मारूबोजू फॉर्म हुई आपको पहले ही बताया गया है बैरिशुल एक से ज्यादा भी हो सकती है स्टिल मोनिस्ट्रा पैटर्न वैलिड माना जाएगा दो बेरिश बैरिश मारोबोजो फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट भी indecisive candlestick ही form हुई indecisive candlestick भी एक से ज़्यादा हो सकती वैलिड माना जाएगा बुलिश हुई and next candlestick ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद ट्रेंड साइडवेज रहा लेकिन मॉनिस्ट्रा पैटर्न इंटैक्ट था एंड स्टॉक ने बहुत बड़ी रैली दिखाई एंड मॉनिस्ट्रा पैटर्न ने अपना पूरा काम किया दोस्तों इस एपिसोड में हमने मोनिस्ट्रा पैटर्न को ट्रेड करने के करेक्ट मेथड्स को सीखा नेक्स्ट एपिसोड में हम इवनिंग स्टार पैटर्न को ट्रेड करने का सही मेथड सीखेंगे जैसे कि आप जानते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का एपिसोड नंबर थ्री है यदि आपने एपिसोड नंबर टू नहीं देखा तो प्लीज एपिसोड नंबर टू देख लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में अवेलेबल है क्योंकि यह कोर्स एपिसोड वाइज सो एवरी एपिसोड इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक मार्केट टर्म्स एंड ट्रेनिंग सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस न्यू अपडेट्स इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस कंटेंट प्लीज ड्रॉप एन ई मेल फॉर फ्री टिप्स प्लीज ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन थैंक Thanks for watching, we'll see you in the next video, bye bye, take care.